कि माइनर ने अगर कंसेंसुअल Uh, उन्होंने सेक्शुअल इंटरकोर्स uh, किया तो क्या उसमें प्रोविजन uh, क्या होंगे अभी सुप्रीम कोर्ट के पास यह डिसीजन गया है जनरली नए एक्ट क्यों बनते हैं क्योंकि कुछ सरकमिस्टांसिस कुछ कंडीशन बाद में बन के आती है जिसके बेसिस पर प्रोविजन बनने बाकी होते हैं और यूपीएससी क्या पूछता है जो नए प्रोविजन होते हैं नई कंडीशन आई और उसके बैकेंड में पोक्सो एक्ट आपसे पूछ देगा इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में आपको समझाऊंगा इंटरनेशनल रिलेशन में जहाँ पर सभी पॉइंट चाहे रिवर वाटर शेयरिंग है दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो शेख मुजबिर रहमान जी कौन है ठीक है बांग्लादेश के अभी हमारे गांधी पीस प्राइज मिला 2020 का भारत ने दिया वो कौन है वो हम जानेंगे इससे पहले भी कर कर चुके हैं बहुत जगह आग भी लगी है फायर सेफ्टी के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन देखेंगे राइट बट विदाउट मूविंग फॉर द टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है सर्च बॉक्स में टाइप करना है एट द रेट पी आर पब्लिकेशन तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे नाउ फ्री ग्रुप में क्या होगा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यूपीएससी पी क्वेश्चन सर आप कहाँ देते हैं इसी ग्रुप में भेजा जाता है एनालिसिस भी क्वेश्चन भी और उसके जो आंसर राइटिंग कॉपी होती है वो भी यहीं पर भेजी जाती है ठीक है होली तक डिस्काउंट है होली डिस्काउंट प्राइस सभी कोर्सेज में एक अप्रैल तक एल्ली प्लान सिर्फ थ्री नाइनटी नाइन यूपीएससी सी सेट कोर्स टू नाइनटी नाइन वीडियो कोर्स है टेस्ट सीरीज एनसीआर टी टेस्ट सीरीज है टू नाइन्टी नाइन रुपीज़ अगर ये आप एक साथ लेते हैं तो सभी कॉम्बाइंड प्लान है सिर्फ फाइव नाइन्टी नाइन रुपीज़ का ठीक है लेना कैसे है बहुत सिंपल है दिए गए नंबर पर गूगल पे फोन पे कर सकते हैं जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीन शॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है और हम आपको टेलीग्राम नंबर पर सभी आपका नंबर ऐड कर लेंगे और सभी मटेरियल आप एक्सेस कर पाएंगे राइट एयरली प्लान है टेस्ट सीरीज है यूपीएससी सेट है ये सब आपको तीनों ही प्लान सिर्फ फाइव नाइनटी में मिल जाएंगे कल तक राइट नाउ सबसे पहले न्यूज आती है एज ए कॉमन अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस की तरह सेंटर ने बोला है केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो अब ये मेट्रो ऑफ कंसर्न हो चुका है राइट तो ट्राई कीजिए मास्क पहनते रहिए ठीक है सैनिटाइज करते रहिए हाथों को और बेवजह बाहर मत निकलिए राइट उसके बाद दूसरा है आप सबको पता है म्यांमार में मिलिट्री ग्रुप चालू हो गया है मिज़ोरम के तो सीएम एम ने सेंटर को भी लेटर लिख दिया था कि ह्यूमटेरियन असिस्टेंस आप दीजिए हमें मिज़ोरम को दीजिए ठीक है मणिपुर भी अभी ये बोल रहा है पहले लेटर लिखा था फिर उसने वापस कर दिया है मिज़ोरम की सरकार ये बोल रही है कि हम अभी प्लान कर रहे हैं कि इनको मनरेगा के अंदर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर इनको जॉब देंगे राइट बट बहुत सारे यहाँ पर दो चीज़ें आप सोच सकते हो सबसे पहला क्या हमारे जो माइग्रेंट लेबर हैं उनको जॉब मिल चुकी है जो हम दूसरे इमिग्रेंट्स को दे रहे हैं जो इलीगली आ रहे हैं दूसरा द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बिन टेकिंग ऑल द ह्यूमटेरियन स्टेप्स हैड रिसेंटली टेकन ऑल स्टेप्स इंक्लूडिंग टेकिंग दम टू इम्फाल टू ट्रीट द इंजर्ड म्यांमारी नेशनल्स और जो इंजर्ड हैं उससे उनको ट्रीट कर रहे हैं अब पहला तो मैंने बोल दिया कि हाँ क्या हमारे यहाँ जो माइग्रेंट लेवल्स हैं उनको मनरेगा में पूरी जॉब मिल चुकी है पहला ये इशू आता है दूसरा इशू एक पॉजिटिव फेवर वे में भी आता है कि कहीं ना कहीं इससे हमारा क्या बनेगा कॉन्टैक्ट पीपल टू पीपल कनेक्शन बनेगा इंडिया और म्यांमार के रिलेशन सुधरेंगे दूसरा हमारे यहाँ सॉफ्ट इमेज जाएगी कहाँ पर सॉफ्ट इमेज से हम म्यांमार में कोई भी चीज़ कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है जब डेमोक्रेसी स्टेब्लिश होगी तो ये जो बातें हैं ये जो अभी म्यांमार मिजोरम सरकार कर रही है म्यांमार के नेशनल्स के लिए तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ठीक है दो तो हर चीज़ के कोई कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ होती है कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ होती है और हमको दोनों ही आंसर में लिखनी पड़ती है बस यही तो होता है एक आंसर राइटिंग आंसर राइटिंग कोई डिफरेंट नहीं है बट आप लिखना नहीं सीखोगे फिर डिफरेंट हो जाएगा राइट right? डिफिकल्ट रहेगा बिहार विलेज सिक्स चिल्ड्रन किल्ड इन द फायर अब मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट सिक्स चिल्ड्रन वर बर्न टू डेथ वेन ए फायर ब्रोक आउट इन द हाउस दे वर प्लानिंग इन ऑन ट्यूजडे इन आरारिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार छ लोग मारे गए अब ऐसे केसेस महाराष्ट्र में आईसीयू में आग लगी ठीक है और बहुत जगह है गुजरात में तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही आग लग गई थी तो पूरे आपको इतने सारे इंसिडेंट मिले हैं पर आपका आंसर एक ही होगा फायर सेफ्टी का तो फायर सेफ्टी का मैं आंसर बहुत बार करा चुका हूँ आज मैं रिवीजन आपको करा देता हूँ कुछ इस तरह के ये प्राइवेट करेंट नोट्स होते हैं जहाँ पर आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में भी मिलता है और पी फॉर्मेट में भी तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन फायर सेफ्टी यूपीएससी का फाइनल आंसर है जी पेपर वन अर्बनाइजेशन डिजास्टर मैनेजमेंट है जी में ये आप इंक्लूड कर सकते हो राइट एग्जाम्पल है सूरत कोचिंग सेंटर आसाम में ऑयल वेल से तेलंगाना में सिरी सलाम हुआ था ये क्वेश्चन मेंस में कभी भी पूछा जा सकता है इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे आप लिखोगे एक का डाटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा कि 17,700 इंडियंस मारे गए उनकी डेथ हो गई 48 लोग डेली मरते हैं जो फायर एक्सीडेंट दो से हो रहे हैं सिक्सटी महिलाएँ हैं ठीक है इंडियन रिस्क सर्वे ये भी कहता है कि सबसे ज़्यादा इंडिया थर्ड पोजिशन में है फायर इंसिडेंट के सबसे ज़्यादा रिस्क है भारत को अब आपसे पूछा जाएगा कॉजेज़ क्या है सेफ्टी नॉर्म्स आप वॉलेट करते हो कॉमर्शल बिल्डिंग को एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के बेसिस पर नहीं बनाते हो कैसे भी बना देते हो ज़्यादा ज़्यादा आप बिल्डिंग बड़ा होगी तो और ज़्यादा प्रोन हो जाएंगी राइट फायर सेफ्टी के ऑडिट टाइम पे नहीं होते हैं फिर बहुत ज़्यादा मेंटेन रखनी पड़ती है बट कभी आप छः महीने में कर रहे हो कभी फिर आठ महीने के बाद आ रहे हो कभी तीन साल के बाद आ रहे हो एडुकेट रिसोर्सेज नहीं है अवेयरनेस नहीं है फॉल्टी वायरिंग इज़ वन ऑफ द रीज़न प्रिवेंटिव मेजर इससे क्या हो सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए इक्विपमेंट का गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट डिजाइनिंग अच्छी होनी चाहिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर होना चाहिए कि हाँ इसी सेट ऑफ कोड ऑफ कोड में आगे की बिल्डिंगें बनेंगी फायर सर्विस डिपार्टमेंट को ऑडिट करना चाहिए प्रॉपर टाइम में प्रॉपर डिमार्केशन होना चाहिए एंट्री एग्जिट पॉइंट का किसी भी एक बिल्डिंग में अगर बनाओ तो अगर बाई चांस क्योंकि वो तो एक्सीडेंट ही है बाई चांस आग लग जाती है तो एग्जिट पॉइंट तो होना चाहिए नहीं तो फिर कूद कूद के बाहर निकलते हैं और वैसे ही उनकी डेथ हो जाती है अब मैं कहूँगा फैक्ट फॉर प्रिलिम्स है मेन्स तो आपको मैंने पूरा बता दिया क्या कॉजेज़ हैं प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं प्रलिम्स में एक चीज़ ये याद रखो फायर सर्विस एक स्टेट सब्जेक्ट है कोई बोलेगा सेंटर सब्जेक्ट है तो वो गलत है फायर सर्विस एक क्या है स्टेट सब्जेक्ट है म्यूनसिपल फंक्शन के ट्वेल्थ शेड्यूल में आता है राइट ट्वेल्थ शेड्यूल में आता है ये याद रखना अब यहाँ पर एक और दिया है वेस्ट टू ग्रीनरी कन्वर्ट किया जा रहा है ताइवान का एक्सपीरियंस है अब ताइवान के साथ भारत के कौन कौन से कॉपरेशन हो सकते हैं मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सोलार सेल टेक्नोलॉजी में हम कॉपरेट कर सकते हैं न्यू स्पेस मार्केटिंग में कर सकते हैं यू एग्रीकल्चर ताइवान में कर सकते हैं प्रिसाइस हेल्थ एंड अलॉट एडवांस सेमी कंडक्टर में हम कर सकते हैं राइट ए आई और ए आई में भी कर सकते हैं आर्टिफिशल इंटेलिजेंस है वो ठीक है राइट अब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो भारत को स्टबल बर्निंग में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी तो उसमें ताइवान के पास ये नॉलेज है कि स्टबल बर्निंग को वो कम कर सकता है पॉल्यूशन को कर्ब कर सकता है तो इसके बेसिस पर ही सस्टम एंड बायोलॉजिकल सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट कर सकता है ताइवान तो हाल ही में मैंने इंडिया और ताइवान के रिलेशन आपको पढ़ाए थे ठीक है इंडिया और ताइवान के इंटरनेशनल रिलेशन कर चुके हैं हम अब देखिए ये क्वेश्चन आप कहेंगे कब कराया था सर मैं कहूँगा 24 मार्च क्योंकि हमारे पास पूरा डेटाबेस रहता है जो भी लोग बाद में भी जुड़ेंगे तो उनको 2020 में 2020 से ही ये पूरा डेटाबेस मिल जाएगा 24 मार्च को एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी मेंस क्वेश्चन एडिटोरियल बेज था कि कैसे हम इंडिया और ताइवान के रिलेशन को रिकेलिब्रेट कर सकते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पर अपने बहुत सारे बच्चों ने आंसर राइटिंग लिखी है चलिए मैं एक आंसर राइटिंग शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ ठीक है आप कहेंगे कौन से ग्रुप में पी पब्लिकेशन के ग्रुप में राइट तो कौन कौन से उसमें हम इसको कर सकते हैं अब जी जिसमें मैंने चीज़ें बताई थी वो यहाँ पर लिखी होंगी देखिए हेल्थ केयर सर्विसेज में कर सकते हैं इन्वामेंट कंजर्वेशन में कर सकते हैं ठीक है जॉइंट रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम हो सकता है टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी क्योंकि ताइवान के टूरिज्म में बहुत कम है भारत में चैलेंजेस क्या है ताइवानीज फॉर्म्स इन्वेस्टेड मोर इन चाइना ठीक है थाईलैंड तो ये एक चैलेंज है लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर्स थोड़े से बने रहते हैं सजेशन क्या है दोनों ही कंट्री को सिक्योरिटी सी चाइना फैक्टर में काम करना है डिफेंस कॉपरेशन में काम करना है अब जो जिन बच्चों ने ये आंसर राइटिंग लिखी है वो बच्चे क्या करें आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें से कुछ पॉइंट उठा के इसमें डाल दें और आपकी आंसर राइटिंग कंप्लीट हो जाएगी ठीक है तो हम क्या करते हैं देखिए आज आपके दो मेंस के क्वेश्चन भी प्रिपेयर हुए ठीक है हिंदू एनालिसिस तो होता है पर तो जनरली यूपीएससी के लिए आप पढ़ते हो ठीक है होती आपके तीस मिनट की क्लास है बट उसमें सीखते आप बहुत ज़्यादा हो ठीक है एक बार सोचना ये आप मेन से सी भी सीख रहे हो आप से भी सीख रहे हो ना उसके बाद नेक्स्ट डे है वही पीएम मोदी जी जाते हैं फिफ्टी एनिवर्सरी मनाने सेलिब्रेट करने बांग्लादेश में और वहाँ पर प्रोटेस्ट भी बहुत चलते हैं जो वहाँ का ग्रुप है अभी वर्ल्ड लेवल की न्यूज़ बताऊँगा बट यहाँ पर सेनेटरी ईयर सौ साल इनका भी सेलिब्रेट करते हैं शेख मुजबर रहमान जी का इनको अभी भारत ने गांधी पीस प्राइज़ भी दिया था ठीक है और शेख हसीना जी इनकी ही बेटी हैं ये चीज़ याद रखना ठीक है और इंडिया ने गांधी पीस प्राइज़ दिया था रहमान जी को उन्नीस में बांग्लादेश की लिब्रेशन में मुजिबर रहमान जी ने बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया मिलियंस लोग मारे गए थे उसमें से 4000 भारतीय जवान भी शहीद हुए दो लीडर्स थे वर्चुअल मीटिंग हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे ट्रेड पर काम करने वाले हैं दोनों ही देशों ने कहा एक इशू चलता है हमेशा इंडिया और बांग्लादेश में कभी चैलेंज आए तो आप टीस्टा वाटर शेयरिंग का कर दें कि टीस्टा हर चीज़ तो सुलट गया बट टीस्टा वाटर शेयरिंग नहीं सुलट पाया राइट तो मोदी गवर्नमेंट अभी ये कह रही है कि बहुत ज़्यादा आ, नेगेटिव सिग्नल्स भी जा रहे हैं कि आ, जो मुस्लिम पे बहुत ज़्यादा अटैक किया जाता है ठीक है यहाँ पर सी ए जो इम्प्लीमेंट करने वाले थे तो एट द एंड यहाँ पर यही बात की जा रही है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो आ, रिलेशन है उनको रिकेलिब्रेट करने की ज़रूरत है बहुत सारे पॉइंट में राइट अब मैं कहूँगा उस पूरे एडिटोरियल से दो चीज़ें पता हैं एक तो शेख मुजबिर रहमान जी के बारे में ऐसा क्यों सौवीं वर्षगांठ बनाई गई सेलिब्रेशन बगबंधु शेख रहमान जी का सत्र मार्च दो को बांग्लादेश में मनाया गया था मुजबिर रहमान जी उन्नीस मार्च 1920 को पैदा हुए थे भारत में और अभी के बांग्लादेश में 15 अगस्त 1975 में उनकी डेथ हो गई बांग्लादेश में वो भी एसेसिनेट किए गए थे बंगाली लीडर थे पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे बांग्लादेश के अब तो उनकी बेटी हैं ठीक है चीके? पहले प्रेसिडेंट भी बने थे पॉलिटिकल करियर उन्होंने 1949 से शुरू हुआ और आवामी लीग के को फाउंडर थे ये याद रखना को फाउंडर ऑफ आवामी लीग और आवामी लीग वही है जो अभी अटैक करवा रही है वहाँ पर ठीक है जो अभी परसों मोदी जी गए थे जो उसके पीछे ग्रुप था वो आवामी लीग से ही निकल के आया है ठीक है नाउ शेख हसीना वाज इज द करंट प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश इज द डॉटर ऑफ शेख मुजबिर रहमान आप कहेंगे यही पढ़ा दिया ठीक है शेख मुजबिर रहमानी पढ़ा है प्रियम्स के लिए मेंस के लिए क्या है मैं कहूँगा मेंस के लिए आज तीसरा पॉइंट आपके लिए इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन भी कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में रिवर वाटर शेयर होता है चौवन कॉमर रिवर से आप इसमें कर सकते हैं बायोलिट्रल ट्रेड बहुत अच्छा है दो हजार में नाइन बिलियन डॉलर का हुआ था इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दोनों ही क्या कर रहे हैं अभी दोनों ही भारत के और बांग्लादेश के मैके जो इंस्टीट्यूशन है वो काम कर रहे हैं दोनों ही मैनेज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ राइट चाहे वो फिर वाटर रिसोर्सेज को शेयर करना हो चाहे एयर पॉल्यूशन को कर्व करना हो इकोनॉमिक असिस्टेंस बांग्लादेश को भारत देते हुए आया है एग्जिम बैंक देता है कॉन्फ्लिक्ट जोन वही है टीस्टा रिवर का कॉन्फ्लिक्ट जोन है और बहुत ज़्यादा इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर में बहुत सारे ये जो चीज़ें होती हैं बहुत सारे लोग मारे जाते हैं ये सबसे बड़ा चैलेंज है टेक्निकल कॉपरेशन भी भारत करता है कल्चरल एक्सचेंज भी भारत करता है किसके साथ बांग्लादेश के चाहे चाहे म्यूजिक हो थिएटर हो पेंटिंग हो इन सब के मिल के ना नेक्स्ट एडिटोरियल आता है इंडिया डज नॉट साइन वेन ओनली सम ग्लेम अब यहाँ पर यह बात की जा रही है कि किस तरह से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि किस तरह से नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई आर्टिकल कुछ यहाँ से शुरू होता है कि भारत में पाँच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का पूरा विज़न है भारत के मिनिस्टर्स का जीडीपी हम बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे बट यहाँ पर कुछ नेगेटिव चीज़ें दी गई हैं कि हाँ जीडीपी बढ़ने के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें होनी चाहिए जैसे भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रिपोर्ट सिर्फ 94 आउट ऑफ 107 मतलब मेल न्यूट्रेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत के लोग खुश नहीं हैं ठीक है ये दूसरा पॉइंट है ठीक है वेल्बिंग 153 कंट्रीज़ में इंडिया रैंक लो वन फोर्टी फोर्थ यहाँ पर रैंक कर रहा है एक रिपोर्ट यहाँ पर यह भी रिलीज होती है कि इनिक्वलिटी और ज़्यादा वर्सन हो गई मतलब मैं आपको पूरे नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूँ सॉल्यूशन आप अगर मैं ये क्वेश्चन आज पूछता हूँ तो सॉल्यूशन आपको इसी के बेसिस पर लिखने हैं माल न्यूट्रिशन में कम्युनिटी किचन का आंसर दे देना कि माल न्यूट्रिशन में कम्युनिटी किचन बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं राइट आ, भारत में अमीर अमीर और हो गया गरीब गरीब और हो गया क्योंकि ऐसी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की कहती है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट अचानक से बढ़ा ड्यूरिंग द पैंडेमिक कोविड नाइन्टीन और वहाँ पर रिच और रिच हो गया पुअर और पुअर हो गया इन गैप फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ गया अब ये ऐसे ही स्टेटमेंट नहीं है ये जो रियोन्ड इंस्टीट्यूट है जैसे वर्ल्ड बैंक है डब्ल्यू इन सब की रिपोर्ट है ये ठीक है ग्लोबल असेसमेंट के इंडिया एक सौ बीसवीं रैंक है वाटर क्वालिटी भी अच्छी नहीं है भारत में एयर क्वालिटी में तो एक देशों में से एक है सोचो एयर क्वालिटी कितनी पुअर है भारत में अब मैंने ये आपको पूरे ग्लोबल स्टैंडर्ड बता दिए कि भारत की रैंकिंग कहाँ पर है बट एक यहाँ पर पॉइंट ये भी आता है कि लोकल्स को नहीं पता कि कौन से 17 टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है किससे क्या होता है बट स्टैंडर्ड ग्लोबल सॉल्यूशन विल नाइदर मेक देयर कंडीशन बेटर नॉर मेक दैम पियर ऐसा यह बोला जा रहा है कि जो वेस्टर्न के जो पैरामीटर हैं जनरली वो लोकल्स को खुश नहीं कर सकते या उसका सॉल्यूशन नहीं है लोकल्स को लोकल्स का सॉल्यूशन पता है भारतीय सरकार को तभी तो भारतीय कभी कभी मिनिस्टर यह भी कहते हैं कि हां इनका जो मेथोडोलॉजी है इनको कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो गलत है भारत में दूसरी चीजें होती हैं इसके मीजर करने पर ठीक है राइट right, ग्लोबल एक स्टैंडर्ड पर हालांकि एक ये भी है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड अगर फिक्स हो जाए तो सभी कंट्री उस लेवल को मैच करने पे लगी रहती है राइट right? तो एट द एंड गवर्नेंस है पॉलिटिकली चीज़ें ये पॉलिटिकल हेल्प से ये चीज़ें सही हो जाएंगी अगर लीडर्स ने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया तो राइट right? नाउ नेक्स्ट जो एडिटोरियल आता है ये बोलता है कि आप सबको पता है कभी कभी जो आई आई टी कॉलेजे हैं गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं वो कितनी दूर दूर बनते हैं ठीक है तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि एक रिमोटनेस कोई हिंड्रेंस नहीं है कि एकेडमिक एक्सीलेंस अच्छा नहीं है यहाँ पर एट द एंड मैं डायरेक्ट एंड बताता हूँ एग्ज़ाम्पल कि कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पीछे इलाके में है बहुत ज़्यादा रूरल ग्रामीण क्षेत्र में है तो वह एक हिंड्रेंस नहीं बनना चाहिए एग्ज़ाम्पल दिया एडिटोरियल ने कि कॉर्नल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के बहुत ग्रामीण इलाके में सिचुएटेड है और अभी बहुत अच्छी यहाँ पर कैंपस है इवन दो कैंपस इज़ नॉट सराउंडेड बाय इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर कॉर्नल हैज थ्राइविंग स्टार्टअप सीन यहाँ पर एंट्रप्रनोरशिप बहुत ज़्यादा इन्होंने करी स्किल बहुत ज़्यादा क्रिएट करी वैसे ही जापान में एक नई वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी बनी है ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो भी रिमोट कॉर्नर एरिया में है ओके नवा आइलैंड के बट बहुत ज़्यादा स्किल एंट्रप्रनोरशिप यहाँ पर क्रिएट होती है तो एट द एंड यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हम बातें करने वाले हैं हाउ many इंडियन इंस्टीट्यूट should इंडिया have, एंड वट शुड दिज इंस्टीट्यूशन ट्राई टू अचीव यहाँ पर यह बोला जाता है कि एक्सीलेंस इन एजुकेशन वो डिपेंड करता है मैंटोरशिप में टीचर कैसे हैं मैंटोर कैसे कर रहे हैं ना कि उसका साइज कितना बड़ा है कैंपस कितना बड़ा है या उसकी कहाँ लोकेशन है ठीक है वो तो मैंने आपको एग्जाम्पल देके बता ही दिया कि लोकेशन मैटर ही नहीं करती ठीक है तो कोर फंक्शन ये क्या है बच्चों को पढ़ाना डिस्कवर दियर इंटरेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट को इंगेज करना ठीक है टेक्नोलॉजी में सोसाइटी में इकोनॉमी में प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर वर्किंग कैरियर एज डिज़ाइनर ठीक है गैजेट मेकर एंटरपिनोर्स ओवरऑल एजुकेशन हायर सेकेंडरी एजुकेशन में वो नरिश करती है ठीक है एडल्ट वाले उसमें बट यहाँ पर यह बोला जाता है कि टेस्ट के बेसिस पे एमसीक्यू सॉल्व के बेसिस पे जनरली ये है तो हमारा काम ये होना चाहिए कि बच्चों का इंटरेस्ट जगाओ अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि मेंस में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे राइट मेंस में पिछले पाँच सालों में ना आए हैं क्वेश्चन ना ऐसे पूछे जाते हैं बट आप सबको पता होना चाहिए आई या इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज जो होता है उसका रिमोटनेस एक रीज़न नहीं है कि एकेडमिक एक्सीलेंस अच्छा नहीं है मैंटोरशिप अच्छी होनी चाहिए राइट right? तो यहाँ पर पूरा ये मैंने बताया है राइट right? और कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं पहली प्रॉब्लम ये है कि वन ऑफ द रीज़न फॉर द कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है पर मेंटोरशिप तो है ही नहीं उतनी फैकल्टी है ही नहीं तो इसका सॉल्यूशन यही है कि यार टीचर और स्टूडेंट का रेशियो थोड़ा सा प्रोपोर्शन अच्छे वे में होना चाहिए दूसरा ये है कि आ, अगर आप किसी एक टीचर को हायर भी करते हो तो फिर आप उसको किचन में लगा दे रहे हो उसको कैंटीन में लगा दे रहे हो ठीक है क्योंकि स्टाफ की कमी है तो वो ऐसे ही बर्डन उसमें आ जाता है फिर वो अपनी जो एक्चुअल लर्निंग है वो नहीं दे पाता है ठीक है उतना बर्डन उसके पास हो जाता है तो ये एक्चुअल में जो अभी के प्रजेंट प्रॉब्लम चल रही है नाउ आज मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड या वीमेन लेड कंपनी से रिलेटेड अचीवमेंट वीमेन डेयरी फार्मर्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं व्हाइट रेवोल्यूशन में चाहे हो ऑपरेशन फ्लड ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड था दूध से मिल्क से ठीक है अब यहां पर क्या हो रहा है जो स्मॉल फार्मर्स हैं मिडिल मैन हैं उनको मिनिमम प्रोक्योरमेंट मिल रहा है दूध में इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर ने तो ये भी बोला है कि 93 परसेंट जो महिलाएं हैं वो अच्छा कमा रही हैं उनको ट्रेनिंग भी मिल रही है फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है ठीक है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंस्टीट्यूशन सच एज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने ऑर्गेनाइज़ कर रहा है फार्मर ओरिएंटेशन प्रोग्राम पूरे कंट्री में जहाँ पर महिलाओं को साइंटिफिक तरीके से कैसे दूध निकाला जाए साइंटिफिक तरीके से स्टोर कैसे किया जाए उनको ट्रेनिंग दी जा रही है अब इसका रिजल्ट तो आप सबको मालूम होगा कैसे इसका रिजल्ट देखो कितना अच्छा है कि दियर मोर देन वन लैक नाइन्टी थाउजेंड डेयरी कोऑपरेशन सोसाइटीज पूरे देश में फैल चुकी हैं छह मिलियन से ज्यादा महिलाएं उसमें काम करती हैं इकतीस प्रतिशत ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने कच्चे हाउस को सीमेंट में कन्वर्ट कर दिया है थर्टी नाइन परसेंट ऐसी हैं जिन्होंने कंक्रीट से कैटल एट कंस्ट्रक्टेड कंक्रीट साइड फॉर देयर कैटल ठीक है तो जो पहले कैटल्स को बाहर ही बांध दिया जाते थे अब यहाँ पर कंक्रीट के सेट्स बना दिए जा रहे हैं राइट तो आप यहाँ पर से विमेन एम्पावरमेंट का एक अच्छी एग्जाम्पल लिख सकते हो जैसे प्रेम बाई राजस्थान से हैं एंड हैज नेवर हैड एक्सेस टू एजुकेशन और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट उनको एक्सपीरियंस नहीं है बट भिलवारा मिल्क यूनियन के साथ जुड़ी हुई हैं उनका टर्नओवर ओवर एक साल का 450 करोड़ से भी ज़्यादा है ठीक है कुछ चैलेंजेस भी होते हैं फिर इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं मिल पाती है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को रिसोर्सेज उतने अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं ठीक है एग्जाम्पल सिरिजा महिला मिल्क प्रोड्यूसर एक साल का टर्न ओवर करोड़ है ठीक है नवा नवेल बहन दसलगंज चौधरी फ्रॉम द वार्डगाम और ऑलमोस्ट 88 एट लैख रुपीज़ ठीक है एक ही आप इसमें एग्जांपल दोगे नफ है सब ज़्यादा एग्जांपल देने का कोई फायदा नहीं है राइट बट यहाँ पर से वीमेन एम्पावरमेंट वीमन के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं भी है फिर भी वो काम कर सकती है एलाइट सेक्टर में अब आप कहेंगे सर आपने क्या एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में ये एग्रीकल्चर में नहीं आता ना दूध बेचना ये एलाइट सेक्टर में आता है क्या उस पर आंसर राइटिंग करवाइए मैं कहूँगा हाँ करवाई है ये देखिए हमने लिखा टेलीग्राम में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर तो यू पी पेड ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चन देखिए कब का है ये ठीक है ये सोर्सेज मैंने दिए हैं आपको ये क्वेश्चन भी आपने लिखे हैं ये क्वेश्चन है आपका तेईस फरवरी का ठीक है कब है तेईस फरवरी का क्वेश्चन है और यहाँ पर हमारे स्टूडेंट ने लिखा भी है हिंदी माध्यम में कृषि एवं सहायक सेक्टर ग्रामीण किसानों की आय की सुरक्षा में सहायक चर्चा कीजिए ठीक है ढाई सौ शब्दों में है तो ये भी कर चुके हैं नाउ अब यहाँ पर यह बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट अभी एक प्रोविजन लाने वाला है उस पर स्टडी करने वाला है हुआ क्या था सबसे पहले मैं बता देता हूँ एक मैन है अठारह साल का है आ, वो रिलेशन में थे सत्रह साल की गर्ल थी रिलेशन में थी बाद में उन्होंने कहा कि हम मैरी नहीं करेंगे राइट और इंटरकोर्स हुआ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ बट इस पर क्या हुआ अभी जो बच्चा है वो जुवेनाइल कोर्ट में है ठीक है जुवेनाइल कोर्ट में है अब नाउ गर्ल ये चाहती है कि वो सेटल हो जाए ठीक है सेटल हो जाए बट जब ये सब चीज़ें हुई थी उस बच्चे को ट्रायल कोर्ट ने दस साल का उसमें इम्प्रिजमेंट डाला अंडर द पोक्स ट्वेंटी अभी ये बताऊँगा दो क्या है फिर उसके बाद गर्ल ने ये बोल दिया कि नहीं हमारा जो ये रिलेशन था वो कॉन्सेंशुअल था मतलब दोनों की कॉन्सेंट से हुआ था ये सब चीज़ें ठीक है अब तो उसका जो बॉय का कोर्ट लॉयर होता वो कहता है नहीं मैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊंगा अब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एक जो पोक्सो एक्ट के प्रोविजन में एक क्लैरिटी होनी चाहिए अभी मैन ने अपील की है जो उस अठारह साल का बंदा है उसने अपील की है सुप्रीम कोर्ट से कि यार क्लैरिटी तो दो आप बनाओ कि अगर पोक्सो एक्ट में कॉन्सेंशल सेक्स होता है तो क्या पनिशमेंट मिलेगी या नहीं माइनर्स को ठीक है माइनर्स को पनिशमेंट मिलेगी या नहीं ठीक है एक्चुअल मैं, मैं कहूंगा यार ये पोक्सो एक्ट का ये तब बनते हैं जब कोई एक सिचुएशन आ जाती है जैसे एक सिचुएशन मैंने आपको बता दी कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन है ठीक है तो अब देखते हैं वो सिचुएशन में उसमें जेल होती है या नहीं या होनी चाहिए या नहीं वो देखेंगे बट उससे पहले पोक्सो को पढ़ लेते हैं क्या है पोक्सो यूपीएससी जनरल स्टडीज़ पेपर टू गवर्नमेंट के लॉज महिलाओं के लिए पोक्सो एक्ट चौदह नवम्बर दो को इनफोर्स हुआ था और ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें चाइल्ड सेक्शल अब्यूज़ है चाइल्ड पोर्नोग्राफी ये सबसे डील करता है एक्ट में छियालीस प्रोविजन है जो इंडियन पिनल कोड में नहीं भी हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं आईपीसी क्या है इंडियन पिनल कोड वो होता है कि जहाँ पर डेफिनेशन दी जाती है राइट right? और ये रिपोर्ट करता है कभी कभी फॉल्स कंप्लेंट भी आ जाता है उसके अगेंस्ट भी है अब यहाँ पर ये बात की जाती है इट वॉय द प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड बाई द पुलिस एंड कोर्ट लेइंग डाउन इट शुड भी डन इन द चाइल्ड फ्रेंडली मैनर अगर सपोज ऐसा कुछ होता है चाइल्ड सेक्शुअल असोल्ट होता है कभी कभी जो विक्टिम होता है वो सामने नहीं आता है ठीक है बट इसमें बहुत सारे प्रोविज़न है चाहिए चाइल्ड फ्रेंडली मैनर होगा एंड बाई सेटिंग अप स्पेशल कोर्ट उसके लिए बनाया जाएगा सुधार किए गए 2019 हज़ार पोक्सो एक्ट 2019 का ही तो एक्ट है ठीक है माइनर को तभी तो 10 साल की जेल हुई ठीक है 2019 में ये सुधार किए गए कि जो मिनिमम पनिशमेंट थी सात साल से दस साल कर दी गई है ठीक है अगर वही सोलह साल से कम की अगर वो गर्ल होगी तो पनिशमेंट वो दस साल का नहीं होगा फिर वो बीस साल का होगा मतलब दो के एक्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविज़न यहाँ पर डाल दिए गए राइट पहले ये था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी आप कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो फोन में है तब आपको पनिशमेंट नहीं 2019 में ये है कि आपके गलती से भी आपके फ़ोन पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी स्टोर रहती है चाहे वो कमर्शियल पर्पस नहीं आपके पर्पस के लिए भी हो फिर भी आपको जेल यहाँ पर होगी यहाँ पर एक वर्ड है कॉम्यूनल और सेक्टेरियन वायलेंस को रिप्लेस करके वायलेंस ड्यूरिंग नेचुरल क्लेमिटी कर दिया गया ठीक है तो उन पर भी कार्रवाई होगी कभी कभी फ्लड आ जाता है कहीं पर तो रिकॉर्ड क्या है सोलह कहता है कि केसेज रजिस्टर्ड हुए हैं बहुत अच्छा है बट केसेस पेंडिंग बहुत है ये थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न यहां पर ओके नाउ वेस्टर्न घाट मैं आपसे पूछना चाहूंगा वेस्टर्न घाट में कितने स्टेट है राइट वेस्टर्न घाट में और ईस्टर्न घाट में कितने स्टेट हैं आपको पता होना चाहिए रिसर्चर ने नई स्पीसीज पाई बटरफ्लाई uh, की तितली की इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट बटरफ्लाई स्पीसीज वॉर डिस्कवर्ड बाई एन ऑल इंडियन रिसर्च टीम फ्रॉम द वेस्टर्न घाट ठीक है उसके बाद ओ सी आई कार्ड होल्डर को पुराना पासपोर्ट लाने की जरूरत नहीं है ठीक uh, है ओ सी आई जो इंडियन ओरिजिन के हैं और इंडियन डायस्पुरा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं अगर उनके पास ओ सी आई कार्ड है तो उनको पुराना पासवर्ड पासपोर्ट लाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है वर्ल्ड लेवल पर बात करते हैं हांगकॉन्ग ने अभी यहाँ पर यह बोला गया है चाइना भी बहुत ज़्यादा कंटेन करने की सोच रही है हांगकॉन्ग को हॉन्गकॉन्ग में ये बोला गया है हांगकॉन्ग ने यह बोला है कि ज़्यादा आप चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे ज़्यादा नॉमिनेटेड होंगे अब चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा नॉमिनेटेड में ठीक है तो चाइना कट्स हांगकॉन्ग इलेक्टेड सीट्स मतलब अभी चाइना ने क्या किया है हांगकॉन्ग में जैसे इलेक्शन होते थे ना तो आप सोच सकते हो कि डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा खत्म किया जा रहा है हांगकॉन्ग में अब नॉमिनेटेड मेम्बर ज़्यादा होंगे हांगकॉन्ग इलेक्टेड में राइट तो चाइना अभी कंटेन कर रहा है हेफाजात ई इस्लाम ग्रुप पीछे था जो मैंने कहा बांग्लादेश पी मोदी गए थे प्रोटेस्ट में ठीक है आम आदमी लीग के ही ये मेंबर हैं हैंफाजत ई इस्लाम ये ग्रुप पूरा रिस्पॉन्सिबल था राइट उसके बाद इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ रहा है भारत में अगर महंगाई मापने की बात की जाए तो सी से मापी जाती है सी पी आई गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को मापता है राइट ये चीज़ याद रखना आप कहेंगे डायरेक्ट ही बता दे रहे हैं नोट्स के साथ नहीं बता रहे मैं कहूँगा कोई नहीं नोट्स के साथ बताएंगे भारत में दो तरीके हैं एक डब्ल्यू पी आई होलसेल प्राइस इंडेक्स एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होलसेल का घाटा यह है सिर्फ गुड्स को कैलकुलेट करता है बेस ईयर होलसेल का दो हज़ार ग्यारह दो हज़ार बारह है दो हज़ार सत्रह में चेंज हुआ था मतलब उसी के बेसिस पर महंगाई मापी जाती है ठीक है जैसे 2011 में किसी का प्राइस सौ रुपए हो अभी चल रहा है 2021 तो अभी 200 सौ है तो सौ रुपए महंगाई हम कहेंगे डब्ल्यू के बेसिस पे ठीक है सीपीआई क्या है रिटेल बायर की बेसिस पे होता है होलसेल में क्या होता है यार थोक वाली चीजों के बेसिस पे महंगाई गिनी जाती है बट हम थोक में थोड़ी ना लेते हैं कोई चीज़ हम तो कंज्यूमर रिटेल के बेसिस पे लेते हैं एक रुपये की टॉफी दे दो, दो रुपये का ये दे दो रशना दे दो तीन रुपये का इनो दे दो ठीक है ऐसा देते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ऐसा नहीं कि इनो के पूरे सौ डब्बे लेके जाएँ घर को ऐसा नहीं करते रिटेल बायर्स तभी सी पी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सी को ऑप्ट किया था सी में चार तरीके होते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए एग्रीकल्चर लेबर के लिए रूरल लेबर के लिए रूरल अर्बन कॉम्बाइंड के लिए पहले के तीन जो होते हैं लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री कंपाइल करती है फोर्थ कॉम्पाइल करता है सी ठीक है ये याद रखना बेस ईयर दो बार है सी में जो फुट का वेटेज है वो 46 प्रतिशत है डब्ल्यू में 24 प्रतिशत है ठीक है सी पी आई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में देखिए वेटेज देते हैं वेटेज अलग अलग दिया जाता है फुट का दिया जाता है फ्यूल का मैन्युफैक्चरर अगर कोई बोले सी अगर 2020 का अगर पेपर देखोगे ना तो ये अला क्वेश्चन आया होगा ठीक है आप देख के चेक कर लो खुद ही ठीक है सी का सी में फुट का वेटेज ज़्यादा है ठीक है ओके okay, तो चलिए आज हमने ये कर लिया डिटेल में तो कल लास्ट दिन है होली डिस्काउंट का सेवन फाइव जीरो फाइव वन थ्री फोर एट नाइन वन जिसको भी लेना है आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और बहुत कम डिस्काउंट रेट में आपको यहाँ पर मिलेगा राइट और सुपर फिफ्टी का 2022 का बैच जिसमें रेफरेंस बुक की वीडियोज़ भी आपको मिलेंगी आ, कौन सा प्रिलिम्स के लिए कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है ये वाले भी चीज़ें आपको मिलने वाली है तो सुपर फिफ्टी 2022 का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं उसमें भी हैवी डिस्काउंट है, आपको मिलेगा आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक यू बट 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 एंड कोड क्या रखें एंड कोड यहां पर है बांसुरी ठीक है आप कहेंगे अरे ये तो खाली बोलता है बांसुरी बजा के दिखाता हूं आपको ठीक है ये है बांसुरी तो आज का एंड कोड है बांसुरी बांसुरी आप लिख दीजिएगा ठीक है थैंक यू